हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। और आज हमारे यहाँ घड़ी पूजा है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ घड़ी पूजा कैसे होता है। और हमारे यहाँ आषाढ़ महीने में ही होता है, ज़्यादातर जगहों पर सावन महीने में होता है, लेकिन हमारे यहाँ आषाढ़ में ही घड़ी पूजा होता है। और ये क्लिप 5 दिन पुराना है, मैं शादी में बिजी हो गई थी तो फिर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खीर बनाया है, और पूरी के लिए मैंने दाल को उबाल के फिर फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए खीर तैयार है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके अलावा चढ़ता है चावल, तो चावल भी बन गया है। दही चढ़ाया जाता है, तो दही को भी मैंने जमने के लिए रख दिया है। इसके बाद रोट, तो रोट बन रहा है। और हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर कर दे रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अकेले ही मुझे करना पड़ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो रोट भी बन गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूरी, और उसी तेल में बना रही हूँ। और हमारे यहाँ दाल का पूरी बनता है, बहुत जगह कचौड़ी भी बनता है। तो ये देखिए पूरी भी बन गया है, और इसमें से 14 जोड़ा यानी कि 28 पूरी कुल देवता को चढ़ेगा, बाकी और भगवान को। और रोट है, और बड़ी भी चढ़ाया जाता है। तो सब कुछ बन गया है, और यहाँ पर ये बना रहे हैं मिट्टी का चूल्हा, और इसी पे सब कुछ चढ़ाया जाएगा। और ये देखिए पूजा हो गया है, और इस तरीके से केले के पत्ते पर भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं करेला और बैंगन तोड़ रही हूँ, और करेला दो ही तोड़ने वाला था, बाकी सब छोटा था तो हमने दो ही तोड़ा है। और काफ़ी सारा बैंगन भी हो गया हुआ है, और ये देखिए मेरे अनार में फूल आया है, और बहुत जल्दी आ गया है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है इस पौधा को लगाए हुए। और पुदीना जो कि बरसात में अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और ये देखिए अरबी का पत्ता, हम इसको मतलब 2-3 दिन बीज करके तोड़ लेते हैं फिर हो जाता है। और लौकी, हमने लौकी लगाया है। और ये देखिए अमरूद कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए करेला, हम और ये देखिए मैंने बेल लगाया था, बेल होना ज़रूरी है बेल पत्र के लिए। और ये देखिए तरबूज, और इसमें फ्रूट्स भी आए हैं, ये देखिए। परी बेटा बास्केट देना। तो आज मैं यही सब बनाने वाली हूँ, दो ही करेला है लेकिन दो का ही बना लेती हूँ, करेला इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और परवल भी पड़े हुए हैं तो मैं परवल भी बनाऊँगी। तो ये देखिए भरवा करेला, दो करेले का मैं बना रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि एक मैं खाऊंगी एक ये खाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, दोनों यही खाने वाले हैं क्योंकि इनको करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर भरवा करेला।
और ये देखिए भरवा करेला बन गया है और मैंने इसको ड्राई ही रहने दिया है। अब मैं जा रही हूँ बैंगन कढ़ी बनाने और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने हाथ का खाना खाऊंगी। और ये देखिए हमारा आज का लंच, हाँ जी लंच है ये। लंच में मैंने आज चावल नहीं बनाया है, रोटी ही बनाया है। तो आप लोग भी आ जाइए। और ये शाम का क्लिप है और बारिश का मौसम है तो समोसा खाने का तो मन कर ही जाता है, तो मैंने समोसा मंगवाया था। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं समोसा एंजॉय करने। आई होप कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।